फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ मारने पीटने वाले वोकैब्स। यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मारने और पीटने वाले अलग अलग वर्ड्स, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपके डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है। जैसे गला काट के मार दिया, या गला दबा कर मार दिया, या जला कर मार देना, चाकू घोप कर मार देना, मुंह में कपड़ा डाल कर मार देना, और भी बहुत सारे वर्ड्स। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का मेरा सबसे पहला वर्ड है स्टेप टू। स्टेप टू का मतलब होता है चाकू घोप कर मार देना। जैसे अगर आपको कहना हो उसे चाकू घोप कर मार दिया गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ, यानी उसे चाकू घोप कर मार दिया गया। अगला वर्ड है थ्रॉटल टू। थ्रॉटल टू का मतलब होता है गला घोट कर मार देना। जैसे अगर आपको कहना हो कि उसे गला घोट कर मार दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज थ्रॉटल टू डेथ, यानी उसका गला घोट कर मार दिया गया। अगर आपको कहना हो कि उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर मार दिया गया, तो कपड़ा ठूस कर मारना को कहते हैं मुफल टू डेथ। तो अगर आपको कहना हो उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर मार दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज मुफल्ड टू डेथ, यानी उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर मार दिया गया। फ्रेंड्स, हैंग्ड टू का मतलब होता है कि लटका कर मार देना या फांसी देकर मार देना। जैसे अगर आपको कहना हो उसे फांसी देकर मार दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज हैंग टू डेथ, यानी उसे लटका कर मार दिया गया या उसे फांसी देकर मार दिया गया। अगर आपको कहना उसे जला कर मार दिया गया, यानी जब किसी इंसान को आग में जला कर मारते हैं, तो हम बर्न टू डेथ कहते हैं। इसलिए इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज बर्न टू डेथ, यानी उसको जला कर मार दिया गया। अगर आपको कहना उसको गोली मारकर मार दिया गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज शूट टू डेथ, यानी उसको गोली मारकर मार दिया गया। शूट टू डेथ का मतलब होता है गोली मारकर मार देना। अगर आपको कहना हो उसे मौत की सजा दिया गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। सेंटेंस टू डेथ का मतलब होता है मौत की सजा दिया जाना। अगर आपको कहना हो कि वह भुखमरी से मर गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्टार्व्ड टू डेथ, यानी वह भुखमरी से मर गया। आइए फ्रेंड्स, कुछ और वर्ड्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो उसे काट काट कर मार दिया गया, तो काट काट कर मार देने को कहते हैं हैक टू डेथ। आप कहेंगे ही वॉज हैक टू डेथ, यानी उसको काट काट कर मार दिया गया। अगर आपको कहना हो उसको पीट पीट कर मार दिया गया, तो पीट पीट कर मारने को कहते हैं क्लब टू डेथ। आप कहेंगे ही वॉज क्लब टू डेथ, यानी उसको पीट पीट कर मार दिया गया। अगर आपको कहना हो कि वह खौफ से मर गया, वह डर से मर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज स्कैर्ड टू डेथ, यानी वह खौफ से मर गया या डर से मर गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये सारे वोकैब्स आपके बड़े काम के होंगे और आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।